देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि आपके कर्म के अनुरूप आपको चीजें मिल जाती हैं। सब कुछ पूर्व निर्धारित है, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन आपको कर्म फिर भी करना होगा, क्योंकि आपके लिए पूर्व निर्धारित जो चीजें हैं वो एक तरह से लॉक्ड है, और वो खुलेंगी कैसे? आपके कर्मा से। कैसे? ये अभी आपको अच्छे से समझाता हूं, बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आएगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, जो भी चीज आपके जीवन में आना है, आएगा या जा चुका है, वो सब पहले से निर्धारित है, डिसाइडेड है। तो फिर हम कर्म क्यों करें? तो फिर हम मेहनत क्यों करें? तो फिर हम इतना भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? हम इतने सारे टेक्निक्स को क्यों फॉलो कर रहे हैं? हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्यों फॉलो कर रहे हैं? यही सवाल आता है ना मन में। आज इसका एकदम सटीक और सरल जवाब दूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, कर्म करने का महत्व समझ में आ जाएगा। और कर्म का मतलब मेहनत कहीं भी नहीं है, कर्म का मतलब ही है सहजता, सुगमता और सरलता। तो आज इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर हम करेंगे साथ मिल करके, वो भी सहजता के साथ। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीखकर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। सबसे पहले मेरे जीवन के किस्से के बारे में चर्चा करता हूँ, जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। बहुत साल पहले की बात है, जब मैंने 12th क्लियर किया था और अब करियर में आगे क्या करना है ये सोचने का चल रहा था। हमेशा से मन में लगता था कि मुझे कुछ ऐसा बनना है जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। और उस ज़माने में कहीं भी पेरेंट्स ने ऐसा कुछ बताया नहीं, ना ही आसपास में ऐसा कुछ था, ना ही ऐसा कोई यूट्यूब के बारे में हम जानते नहीं थे ज़्यादा। तो सीधी सीधी बात थी, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे प्रारब्ध में एक हीलर, एक डॉक्टर बनना लिखा था। तो पूरा एक साल इस बात के लिए लग गया कि करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। पढ़ाई कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन करना क्या है समझ में नहीं आ रहा है। इतने में मेरे एक बहुत दूर के रिश्तेदार, जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं था, कभी नहीं, मेरे पापा जी के मामा जी के कोई रिश्तेदार वाले थे कुछ, तो उनसे मेरी किसी फैमिली फंक्शन में मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझे बताया कि बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर लो, बहुत अच्छा है तुम्हारा, तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे हैं, तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, कर लो। अब ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टरी को जानते नहीं थे, लेकिन ये ध्यान में कभी आया नहीं कि हम ये कर सकते हैं, ये मेडिकल में जा भी सकते हैं। उसके बाद अंदर से ये बात आई, घर वालों ने भी कहा, घर वालों को ये लगता था कि ये तो ऐसा ही है, ये कहाँ कर पाएगा। परमात्मा की कृपा कुछ ऐसी हुई, प्रारब्ध कुछ ऐसा बना मेरे लिए कि मुझे सही टाइम पे गाइड करने वाले, फिर पढ़ाने वाले, फिर कोचिंग देने वाले, सब इतने अच्छे मिले कि पहले ही साल में मैंने कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर लिया और मेडिकल की सीट भी मिल गई। देन आगे पढ़ाई किया और डॉक्टरी भी मेरी कंप्लीट हो गई। मजे की बात यह है कि आज मैं एक हीलर हूं, आज मैं लोगों को मदद कर रहा हूँ, आज लोगों को सही रास्ता दिखा रहा हूँ, अपने दोनों चैनल के माध्यम से लोगों को हीलिंग साइंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये भी मेरा प्रारब्ध था, मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई। आप ये सोचिए, मेरे परिवार में किसी को नहीं लगता था कि मैं ये करने वाला हूँ, मुझे खुद को नहीं लगता था, लेकिन क्योंकि ये मेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ था, ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ था कि मुझे पहले एक डॉक्टर बनना है, देन आगे यात्रा शुरू करनी है। तो इसलिए ही ये सारा सरकमस्टेंसेस क्रिएट हुआ, ये सारी चीज़ें बनी, सारी चीज़ें आई। वो जो रिश्तेदार है, वो जीवन में एक ही बार मुलाकात हुई मेरी उनसे, उसके बाद आज तक मेरी उनसे कोई मुलाकात ही नहीं हुई। मुझे तो ये भी नहीं पता अच्छे से कि वो कहाँ रहते हैं, ये वीडियो बताते बनाते बनाते मुझे याद आया और आज ही मैं जाके अपने पापा मम्मी से पूछूंगा कि वो जो अंकल आए हुए थे वो कहाँ के थे। तो समझने वाली बात ये है कि प्रारब्ध तो था, लेकिन बिना मेडिकल की पढ़ाई किए, बिना अच्छे से अध्ययन किए, बिना गुरुओं के साथ रहे, मैं बिना एग्जाम दिलाए मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता था, वो पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती थी। तो इससे क्या समझ में आया कि कर्म करना तो जरूरी है, प्रारब्ध चाहे आपका जो भी हो, आपको अपने हिस्से की ईमानदारी निभानी पड़ेगी। मतलब कर्म ही आपके प्रारब्ध की चाबी है,
कर्म ही प्रारब्ध की चाबी है। जीवन में बसा लीजिए, सुन लीजिए। और कर्म का मतलब मेहनत नहीं होता, कर्म का मतलब होता है सुगम, सहज और सरलता। जो भी चीज को आप सुगमता से, सरलता से, सहजता से करते हैं, वही आपका कर्म है। और अगर कोई काम आपको मुश्किल लग भी रहा है तो उसे बार बार करने का प्रयास कीजिए। जैसे ही आप उसे कई बार करते हैं, वो चीज आपके लिए सरल हो जाता है। मौत का कुआं चलाते हैं बाइक में, सरलता से चलाते हैं ना, लंबी लंबी यात्राएं कर लेते हैं सन्यासी पैदल पैदल, सहज है ना उनके लिए। हाँ, कई कई दिनों का उपवास कर लेते हैं। बाय द वे, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज मेरा चौथा दिन का उपवास है। 3 दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ सफेद पिठा मतलब कि एसगार्ड का जूस पिया है। दिन में 2 बार सुबह और दोपहर, रात को नहीं पीते क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है। और मेरे दोनों नाक खुले हुए हैं, मतलब मेरे दोनों स्वर खुले हुए हैं और मेरा शरीर एनर्जी से भरा हुआ है, कहीं पर भी कोई कमजोरी नहीं है। और मैं अपने आप को 6 दिन के उपवास में रखा हूँ। क्यों, क्या, कैसे, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन है, याद आया तो आपको बता दिया। आखिर आप भी तो मेरे फैमिली वाले हो, जैसे मेरे सारे दोस्तों को पता है, फैमिली वालों को पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि ऐसा करने से शरीर शुद्ध होता है, साफ होता है और ये किया जा सकता है। कहा ना, सरल, सुगम और सहजता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब वापस आते हैं। अब आपको अपनी सरलता से अपने कर्मों को करना होगा। अब वो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि हमने पुराने वीडियो में बात करा था, फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब तब तक उस चीज की फेक एक्टिंग करो जब तक वो मेक ना कर लो। और एक समय के बाद जब वो आप मेक कर लेते हो तो फेक करना बंद कर दो और दिखावा करना भी बंद कर दो। तो वैसे ही अभी आपको अपने कर्मों पर पूरा फोकस करना होगा। पता है हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल पाता, आप सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, आपको ऐसा भी करना है, आपको वैसा भी करना है, आपको बाइक में भी घूमना है, आपको करियर पे भी फोकस करना है, आपको बॉडी भी बनानी है, आपको लड़की के साथ भी घूमना है, आपको पार्टीज भी करनी है, आपको नशा भी करना है, आपको जंक फूड्स भी खाना है, आपको रात को देर रात तक जागना भी है और सुबह जल्दी उठ के जिम भी जाना है। अगर आप सारी चीज़ों को करना चाहोगे तो आप किसी चीज़ को नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा अपना सारा फोकस एक दिशा पे लगा लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइफ में कुछ भी मत करो, युवा हो यंग जनरेशन के हो, जानता हूँ आपको बहुत कुछ करने का मन है, लेकिन अपनी 70-80% एनर्जी एक दिशा में लगा दीजिए और उसे पूरा करके फिर आगे करिए। और ऐसा क्यों सोचते हो कि आप अभी ही युवा हो, अरे भाई 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 30 साल बाद भी, 40 साल बाद भी, 50 साल बाद भी आप युवा ही रहेंगे, क्योंकि आपको फोकस करना आ गया है। समझ पा रहे हैं आप, अगर आपको फोकस करना आ गया है तो आप पूरी जिंदगी युवा हैं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे 4 दिन की जिंदगी है, कल मर गया किसको पता है, हाँ आज की खुशियों का क्या। भाई जिनको अपने गोल्स पे काम करने में खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाती है ना, उनको बाकी सारी खुशियाँ उनके लिए छोटी हो जाती है। अपने लक्ष्य पे, अपने कर्म पे जिनका फोकस होता है, उनको बाकी सारी खुशियाँ कम लगने लगती है। लोग पार्टीज क्यों करते हैं, लोग घूमना फिरना क्यों करते हैं, लोग भाग, क्योंकि अपने वो अपने कर्म से भागना चाहते हैं, उनका कर्म उनसे अच्छे से हो नहीं रहा इसलिए वो भागना चाह रहे हैं। आप एक जिम में वर्कआउट करने वाले, एक रेगुलर वर्कआउट करने वाले एक पर्सन को जाके देखना, किसी बॉडी बिल्डर को जाके देखना, वो किसी भी शादी, किसी भी पार्टी, किसी भी बर्थडे के बजाय अपने जिम जाकर ना पसंद करेगा, क्योंकि उसको जिम करने से मजा आता है, उसको वर्कआउट करने से मजा आता है। वो जब वो किसी लड़की का हाथ थामने से ज़्यादा अपने डम्बल को अपने हाथों में थामना उसको अच्छा लगता है, उससे प्यार है। और आप, मेरे मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, जो भी इंसान जिम में जाके बॉडी बना चुका है, उसको उसकी बॉडी तभी बनी है जब उसको वर्कआउट करने से मोहब्बत हो गई है, प्रेम हो गया है, उससे उसको प्यार हो गया है। और बॉडी सिर्फ वर्कआउट करने से नहीं बनती, तो उस बॉडी डिसिप्लिन से बनती है। एक वर्कआउट करने, एक बॉडी बनाने वाला बंदा इतना डिसिप्लिन हो चुका होता है अपने खाने को लेके, अपने सोने को लेके, वो नशा नहीं करता, वो दारू नहीं पीता, वो गंदी चीज़ों का सेवन नहीं करता, वो देर रात तक नहीं जागता, वो सुबह जल्दी उठता है, वो अच्छे से वो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, वो अच्छी चीज़ों का सेवन करता है। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप युवा हो, अभी यंग हो, तो एक बॉडी बिल्डर को पकड़ो, उसकी लाइफ को समझो,
उसकी जिंदगी को समझो और वही टेक्निक हर जगह फॉलो करो। जो एक बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी बिल्डिंग में फॉलो करता है, आप वही टेक्निक अपने पढ़ाई में लगा लो, अपने जॉब पे लगा लो, अपने गोल्स पे लगा लो, चाहे आप जो भी करना चाहते हो। देखो, सक्सेस का मतलब ये नहीं जो दुनिया आपको बता रही, सक्सेस का मतलब वो है जो आप करना चाहते थे और आपने उसे पूरा कर लिया, है ना। तो आपको कर्म तो करना है और सहजता से करना है, बहुत सरलता से करना है, क्योंकि कर्म से ही आपके प्रारब्ध का ताला खुल जाएगा। और हमें नए कर्म भी तो करने हैं, नए कर्म भी तो बनाने, नए प्रारब्ध भी तो तैयार करते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों से ही तो हमारा प्रारब्ध बनेगा। भाई सुनो, हमारे पिछले कर्मों की वजह से हमें हमें प्रारब्ध मिला, हमारे जीवन में हमें ये चीज़ें मिलनी थी। मेरा डॉक्टर बनना, फिर मॉन्क बनना, फिर हीलर बनना, ये सब मेरे प्रारब्ध थे, लेकिन उस बीच में मेरे कर्म भी तो हुए हैं और उस कर्म के साथ नए प्रारब्ध भी बने जो आगे जाके मुझे प्राप्त होंगे, है ना। तो आपको केवल अपने आप पे फोकस करना है। सुबह उठो, परमात्मा का नाम लो, इस दिन के लिए धन्यवाद करो और आज के कर्म के लिए एकदम एक्साइटेड होके निकल पड़ो। और जितनी जल्दी उठ जाओ ना उतना अच्छा। सोने पे फोकस मत करो, उठने पे फोकस करो, क्योंकि अगर उठना सही हो गया तो सोना अपने आप सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही अच्छी बातें हम करते रहेंगे, और अगर ऐसी अच्छी बातों को सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। इससे मुझे अच्छा लगता है कि मेरे अपने मुझे पसंद करते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते जी।